गर्मा गर्मी को माहौल ना करो, आपा तो आपा ओ बातचीत कर। अरे तो देखिए 8 वर्ष से पानी नहीं आ रहा हमारे गांव में, 8 वर्ष से। अब मोटे जो देखो हमारे गांव का माइन तो बुटानियों का माहौल है, बुटानी माहौल है खाने के लगे इधर इधर बुटानी है उड़तो हम समर्थन काम कुछ मेरे महाराज नहीं कदे कदे काम कौन करियो बातचीत। बीजेपी का भी पड़ेगा, कांग्रेस का भी पड़ेगा, पानी आई कोई मान तो 5 वर्ष हो गए, 800 रुपया टंगे। देखो देखो आप इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रामदेव ऑटोमोबाइल्स। अब कम से कम डाउन पेमेंट और कम से कम कागज कार्रवाई, यानी कि आधार कार्ड लाएं और बाइक ले जाएं, तो आज ही विजिट कीजिए रामदेव ऑटोमोबाइल्स, राजगढ़ रोड सिद्धमुख। अल्फा मोटर्स, डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन, एलपीजी व सीएनजी व अलाइनमेंट, सभी प्रकार की गाड़ियों का करिया पर किया जाता है। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सभी बीमा कंपनी की तरफ से कैशलेस में यहाँ पर गाड़ी का कार्य भी किया जाता है, तो आज ही विजिट कीजिए सांखू रोड राजगढ़ अल्फा मोटर्स। अगर आप घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा से परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके नजदीकी शहर सिद्धमुख में अब बेहतरीन क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे, बेहतरीन क्वालिटी की एलईडी टीवी और साथ में ही आप बाइक और कार में जीपीएस भी लगा सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिए सिद्धमुख सीसीटीवी सॉल्यूशन, खेल ग्राउंड के सामने सिद्धमुख। नमस्कार, मैं जतन सिंह और थे देख रहे हो चुरू झलक। लगातार जो तारानगर की विधानसभा का क्षेत्र का गांव है, मैं कवरेज आप करने लग रहे हैं और जन जन तक पहुंच के, गांव में मेन चौक में पहुंच के जो लोग बड़े बैठे मिले, बहुत विचार आप ले कि आने वाला ये विधानसभा चुनाव है वे में समर्थन है वो कहने मिल रहे है, कौन से गांव में कहो मत है भारी है, कहने मिले को प्यार और कौन होगा दरकिनार। अभी जो बातचीत आटा चल रहा है तो यह है कि राठौड़ जी और बुढ़ानिया जी आमने सामने और कई गाँव में यह बताओ कि आमने सामने की टक्कर है, लेकिन ए गाँव में माहौल है मोडावासी गाँव में, जो मोडासी बोले वे गाँव में माहौल है वो कहो है और ज्यादा समर्थन कहने मिलेगा। किसान नेता भी सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस भी हैं और आठों सारों बातचीत आठों शुरुआत करांगा और पूछना प्रयास करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार, आपको शुभ नाम बता दो तुम्हारा दर्शन। असलम। असलम भाई जी, माहौल है बहुत कहो है बीजेपी को है, कांग्रेस को है, किसान नेताओं है, गुड़ानी साहब को, गुड़ानी साहब को, गुड़ानी साहब को। अच्छा, 5 साल की मैं बात करूँ गुड़ानी साहब की, थारे गाँव में ऐसा कौन सा काम कराया बन जन ले के विचार? पंचायत कराई है, अस्पताल कंपनियां कराई। अच्छा चलो, थारो की विचार है थाने के लगे? मारो विचार यही है कि मारे गांव के मायने, मैं तो बीजेपी से हूँ। अच्छा। और बीजेपी का भी पड़ेगा, कांग्रेस का भी पड़ेगा। अच्छा। यानी दोनों का पड़ेगा, भी कांग्रेस का ज्यादा पड़ जाएगा, बीजेपी का कम रह जाएगा। अच्छा। लेकिन वोट पड़ेगा। वोट कितना है टोटल गांव में एक बार बता दो? 1200 वोट है, 1000 का हर बार पोल हो जाएगा, जय में राजेंद्र राठौड़ जी ने भी मिलेगा, गुड़ानी ने भी मिलेगा। अच्छा, जितना मैं बर्फों को नहीं। अच्छा, मैं बात करूं जितना हजार का आसपास पोल होगा तो किसान नेता कॉमरेड भी सुने निर्मल जी भी खड़े बन भी कुछ मिले पाँव कौन मिले नई दिल्ली को कोई प्रोग्राम कोई। पिछली बार सबसे टॉप में कौन रहे? गुड़ानिया साहब थाने के इलाका है, पिछली बार गाँव में टॉप में रहा, बैंक बाद में जीत्या वह लागे रिपीट कर पाओगे यार राठौड़ जी को आठों फिर कट जाओ? नहीं, वो टक्कर को चुनाव है, टक्कर को चुनाव है। हाँ, आगे जागे तारनगर में टक्कर को चुनाव है, हमारे गाँव में कांग्रेस को भारी बहुमत आ रहा है। हाँ, 250 वोट 300 वोट में ठाकर का माना। ठीक है, आप लोग माइक देखे और भी आने लगे, भी पूछताछ करांगा, जिक्रो करांगा और चर्चा करांगा कि माहौल है वो हकीकत में, क्योंकि गाँव आगे चौपाल है, ये चौपाल में बैठा लोग है, ये हकीकत बतावा है कि माहौल है वो कहो चल रही है। और अठे कुछ लोग और भी आया, बहुत भी बातचीत करना प्रयास करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। पहले तो दर्शकों ने तारो नाम बता दो। नियामत खान। खान साहब, के लगा माहौल कहो है? माहौल तो सब काम का वोट मिलेगा। काम का मिलेगा? हाँ, हमारे गाँव में काम कराया था। के काम हो? हमारे पंचायत बना दी, हॉस्पिटल बना दियो, टंकी की मंजूरी दे रखी है, पानी की समस्या हमारा सबसे ज्यादा थी, टंकी की मंजूरी मिल गई। हाँ, मंजूरी मिल गई। तो बुढ़ानिया साहब की तरफ? बुढ़ानिया। हाँ, बुढ़ानिया साहब का न्यू कह इनने बातचीत करी कर राठौड़ साहब का भी वोट है बराबर? राठौड़ का है, कोई नाम मात्र का कोई पास आते वोट रहा? के कारण है राठौड़ साहब ने आठों जन समर्थन काम कौन करियो महाराज नहीं कदे काम कौन कदे काम कौन करियो बाऊ बातचीत करांगा बे के कहे फिर अटक के और दूसरे चौक में भी चलना प्रयास कर काम का विकास का काम करायो बुढ़ानी भाई देखो उनका जी जान से वोट देवा काम का वोट है ठेर होगा तो ठे आड़े काम कर थाने वोट देवा कई जगह मैंने भी सुनी कई गांव गए बोले तारनगर तो काम ने वोट दे ही को नहीं ना ये अंधो आदमी वो करे इसी बात तो मोटा सी काम ने वोट तो आदमी होगा वो यही कहो ना मोटा सी काम कराई आंख मिचड़ है ना वो कराओ इसी बात ए थेनू का बराबर को धड़ोसो रहे ए तो न्यू का एक तरफा बुढ़ानिया साहब ना के काटा जो आदमी निजी होगो वो तो यही कहो
अच्छा, लेकिन वोट बीजेपी का भी है, दोनों का वोट है। चलो युवा है, आओ बातचीत करा। पहले दर्शक का नाम बता दो साहब। मेरा नाम रफीक खान है। रफीक जी, के लग गया थाने कि बराबर को मामलो रहेगा या एक तरफा बुढ़ानिया साहब है? वोट दोनों का है, राजेंद्र जी का है, बुढ़ानिया का भी है, लेकिन बुढ़ानी ज्यादा है। और तारानगर की पूरी क्षेत्र की बात करूं मैं, कई लोग कह घिसके लिख गया सीट, कई कह की बुढ़ानिया जी 20,000 जीत जाएगा, कई राजेंद्र राठौड़ जी 30,000 जीत जाएगा। क्या लगा था? नहीं है, टक्कर है बराबर की। अच्छा, लेकिन ज्यादा संभावना बुढ़ानिया की। और लोग हैं, आठ पूछे हैं, बाहू जिक्रो करांगा, परली साइड में बैठे हैं, बाहू बात करनी जरूरी है। चश्माड़ा भाई साहब है, खड़ेगा होते खुट्टी है, खुट्टी है, थल लगा में क्या विचार है भाई? आप गम रहे को नहीं, गम रहा है, गम की थंदी बता सारी ए गम में रोदल पर युवा है थाने के लगे बुढ़ानिया। बुढ़ानिया साहब जीतेगा? हां जीता। के कारण रहे बुढ़ानिया साहब को? थरगा में विकास करायो या पूरी तहसील में भी हो? पूरी तहसील में विकास है, पूरी तहसील में विकास है। देखो साहब, बुढ़ानिया साहब आया ने विधायक रहा, कोई गुंडागर्दी को नहीं तानगर क्षेत्र में, एक आड़े शीशे गाड़ी घूम रही, गुंडागर्दी घूम रही और काम कराई, विकास का वोट है। न्यू भी चर्चा चल रही है कि किसान नेता है वह लगातार आंदोलन करे, सरकार के खिलाफ करे और किसान ना है वह बीमा क्लेम दिवावे, तो बांगे प्रति जनता को प्यार क्यों को नहीं? भगवान तो गवर्नमेंट दिए, राज्य सरकार दिए, अशोक गहलोत दिए, तो राज्य सरकार 2021 सालों क्यों कौन दियो? बात बताओ, राज्य सरकार 2021 सालों कौन दियो? हालांकि एक सरकार है बीमो दियो, हालांकि लेकिन 2021 को बीमा फसल कलम है वो अभी भी अटक रही है। और हालांकि मैं सहमति बनी है, लेकिन बक्त तक आवे लोगों खाते में। और युवा इन बाहू बातचीत करांगा, पहले तो मार्गदर्शक थारा नाम बता दो। सलीम खान। सलीम जी, के लगा है माहौल है वो कहूंगा फिलहाल? माहौल बुढ़ानिया जी को सर, सारा बुढ़ानिया जी, जी वो चौक पूरा बुढ़ानिया जी को ये जी सर, बुढ़ानिया जी एक अल्पसंख्यक गाँव की और इतो हमारे लिए काम करे तो पहले ही सुनेता है जो हमारे लिए तो काम करे, जो पंचायत दे है, 12वीं तक स्कूल दे है और हॉस्पिटल भी आ गयो और भी बहुत जो कार्य है जो अभी होगा। तो भाई मान लियो की लमसम हमारा गाँव से बुढ़ानिया जी है। चलो बटे चल लांगा, बटू जोर जोर की आवाज आवे, अगर बाहू बातचीत करावा कैमरामैन बोलूंगा आ जाओ सागे सागे ना, एक बार चर्चा थारू भी जरूरी है, फिर थेन्यू को मारे दुकान सर आयो और वो आके कौन गयो बोलो, वो कांग्रेस कांग्रेस आने ले गयो थे गांव का ही हो ने, थे कौन से काम करो? चलो खुडीम, खुडीम के मामला है ठीक है, मार गुड्डी का गुड्डी का गंदे झूठ ना बोलो, कम से कम दिन के झूठ बोला था ना, माहौल का लगा बता दो। देखो मारा गांव का माइन तो बुढ़ानियों का माहौल है, बुढ़ानी माहौल है थाने के लगा इधर इधर बुढ़ानी है उड़तो राठौड़ा बोटड़ा मिल जाएगा, हजार पोलिंग होगा बताएं, हजार पोलिंग कम से कम ले जाओ, 700 वोट 700 वोट 300 बाकी रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। माहौल देखे और भी नकट है, देखो पुड़िया पड़िया बनाओ, वहां बातचीत करांगा, अरे आ जाओ बातचीत करा, क्यों आ जाओ ये कौन करा बात? बात राजनीतिक आदमी कर सके भाई, देखो राजनीतिक आदमी खड़े है, करेगा बातचीत और बाहू थाने कराऊंगा वापिस। हाँ आवांगा इले थर चौक में भी आवांगा, चलांगा आऊं बातचीत अब कर ली, परले चौक में चलांगा, बठे के माहौल है उसका, कांग्रेस कांग्रेस का आदमी बैठा बड़े बीजेपी का मिल जा। हाँ, और बठे दूसरे चौक में भी जाके आपा है चर्चा करांगा और बतावांगा थाने कि मोडा वासी में है वो माहौल है वो कहेंगे। मोडावासी में दूसरे चौक में आप पूछे, हाँ आठ है, काफी सारा लोग है, देख सको थे कैमरा मैन बोलूंगा कैमरो घुमा के एक बार दिखा दे लोग देख सको कितना है और आऊं सारा चर्चा करांगा। एक चौक की देखी थी कवरेज किसी की रही, आठ है और भी है, शुरुआत है बाबू उरुस यू कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार, आपको शुभ नाम बता दे अगर मार्गदर्शन मुश्ताक जी, माहौल है वो कहेंगे अब की बार जो विधानसभा चुनाव है राठौड़ जी या बुरानी आज कांग्रेस किसान नेता बांगो गांव को? हाँ गांव को ही, मोडासी पानी की समस्या नहीं बन रही है और है आऊं पूछताछ करा। नमस्कार जी। नमस्कार, माहौल है वो अब की बार गाँव में कहीं तरफ रहे? मेरा नाम है कैप्टन शमशेर खान, मोडावासी अतरा है, गांव के अंदर जो माहौल है ना, गांव की बात नहीं, पूरे राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार और तारनगर में नरेंद्र बुढ़ानी की सरकार, ये क्लियर है बुढ़ानी जी की। पानी की कोई समस्या को नहीं, पानी की घर घर टूटी लगा दी है, पानी की जता नहीं, हाल घर घर टूटी लाग चुकी है, अलग अलग मतलब एक टंकी बनने की बात है तो वह बीच में चुनाव आ गया, चुनाव की वजह से वो काम अटक गया, टंकी बनने के बाद में एक पानी की कोई समस्या को नहीं, बाकी काम सब देख रहे होते हैं, चाहे रोड है चाहे नहर है, मार्गा में हॉस्पिटल कौन था आगे बोले हॉस्पिटल चाल क्या होगा बनवा दियो, बारी को स्कूल हो गया, गांव में पंचायत बनवा दी, ठीक है, ये इतना बड़ा काम बहुत है, जो काम थे बताए हुए। अब
थोड़ी थोड़ी देर सारा हूँ आप पूछताछ करांगा। नमस्कार जी, थारो नाम बता दो मार्गदर्शन करें। मेरा नाम मोहिद्दीन खान खान साहब। के लागे माहौल है बुकिंग हुए आन बुढ़ानिया साहब को बतायो। साहब बुढ़ानिया साहब को ये है तो और बुढ़ानिया साहब को ये ठीक है। पुरानिया साहब को माहौल बतावे और आठ बैठे अब युवा हैं पाऊ। अब विस्तृत चर्चा है बात करांगा, बातचीत है बात करांगा, उरु शुरुआत करांगा सारा बतावे। मैं दो चौका हूँ, परला चौक में भी लगभग बुढ़ानिया जी को माहौल बताया। थाने के लगा माहौल है बोकंग में नरेंद्र बुढ़ानिया। नरेंद्र बुढ़ानिया जी को पानी पीने है कम में? पानी पीने की सभी व्यवस्था है। अभी एक भाई मिले मैंने वो कैमरे चालू को नहीं बोलो टंकरी बटुआ है वो तो नरेंद्र बुढ़ानिया को खिलाफ हो गए वो कहती होगी। अच्छा खिलाफ हो गएगी तकलीफ। बाकी पानी बढ़िया चल रहा है? पानी बढ़िया चल ठीक है, पानी बढ़िया चल रहा है, माहौल है वो ठीक ठाक। बतावे थारो के माननो है आग आगे ले जाओगा कोई न्यारो है? मैं कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल ही विरोध में हूं। कारण कह रहे हो? क्योंकि ये कांग्रेस सरकार है पेपर चोर सरकार है। 2021 में रेड थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें 2 साल मेहनत की अच्छे नंबर आए लेकिन वो रद्द कर दी गई। क्योंकि हर बार जितनी भी वैकेंसी हुई है इस सरकार में सिर्फ पेपर चोरी हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अब जो थर्ड ग्रेड भर्ती हुई है उसमें भी अटके हुए मामला कोर्ट में है। मैं एक एडिशनल दारी विद्यार्थी हूँ। पीछे 2018 में शपथ पत्र पर उनको ज्वाइनिंग दी गई थी लेकिन हमें रोक दिया गया है। दुख है वो बड़ो है जाहिर करियो आपा। कम से कम एक युवा अपन बोलने तो मिलो। 6-7 तारीख को मैं अपना खुद नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूम में। आंगे खिलाफ दोनों आंगे कांग्रेस के विरुद्ध, क्योंकि जो सरकार थी कांग्रेस थी और 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और 5 साल में हमारे साथ सिर्फ छलावा किया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हमें। अब की बार जो गांव को माहौल है थारे हिसाब थे गांव का निवासी हो जब थे खुद नामांकन दाखिल करोगा गाँव को माहौल है बताओ बुढ़ानिया जी की तरफ क्या लगा था? देखिये गाँव में तो यही माहौल है सदा से कि 80-20 का परसेंटेज रहता है आई बार वो यही माहौल अब की बार है। ठीक है दुख है दर्द बतायो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ है जाऊंगा नामांकन मेरा दर्ज कराऊंगा बट दाखिल कराऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस के खिलाफ। क्यों दर्द है? पेपर लेकर बांध लेके थाने के ला गया ये जो युवा मेरे सामने बात कही आपको दुख आयो कि सही ये इनका दर्द है लेकिन मारो गाँव है वो विकास पर वोट दे रहे। मारो गाँव एक तो पंचायत बन गई हॉस्पिटल बन गयो 12वीं स्कूल बन गई और आना टाइम में जीत के दोबारा आ जाएगा और पानी की टंकी भी बन जाएगी। कोई भी समस्या है हमारी कोई भी आदमी फोन करे मोटेसी को वो तुरंत उठावे। ठीक है थाने के लगा माहौल कहीं तरफ रखो सब बुढ़ानिया सब एक नंबर काम सारा कर दिया अगले काम का वोट करेगा। मोडावासी गांव में लगभग लगभग जितना दो चौका में दूसरा चौका कवरेज करता होगी और सब है लगभग बुढ़ानिया बोल रहे हैं। हालांकि वो तो 25 तारीख ने पता लगा को जब वोटिंग होगी वो और बाद में बिल्कुल चर्चा करा ना नहीं बिल्कुल सबसे चर्चा करांगे आठ जीता मौजूद चर्चा करा। एक बीच में 2 मिनट बता दू ने कि 25 तारीख ने वोटिंग होगी और 3 दिसंबर ने है वो चुनाव को परिणाम होगा जब पता लगा को। पल तुम्हारे दर्शकान थारा नाम बता दो। राजू खान नाम है खान साहब। के लगे अनसारा बुढ़ानिया साहब को नाम लिया थाने के लगे बुढ़ानिया साहब को नाम ले बहुत अच्छी बात है। हमारे गाँव के विकास के नाते हमारे गांव की गलिया थी देख ली देखी 8 वर्ष से पानी नहीं आ रहा हमारे गांव में 8 वर्ष से। अभी भाई एक साहब मिला नहीं, बोले ना नलका जरूर लगा दिया पानी की कोई सप्लाई नहीं है 800 रुपया दे करके ट्रैक्टर की गिरावा में और पानी मोल लेके पी वहां। नंबर 2 बात पूरे गांव को थे विकास के मामले में पूछो तो कोई विकास को नहीं हुआ। स्कूल बनवा दियो हॉस्पिटल मैं बताऊं स्कूल और हॉस्पिटल बढ़ा दियो। स्कूल पहले 5वीं क्लास से 8वीं को क्रमांत होयो मेरो करवाई है 8वीं से 10वीं को क्रमांत होयो जयनारायण जी राजेंद्र राठौड़ को मेरो करवाई है। अब 10वीं से 12वीं को अगर पंचायत हेडक्वार्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत अगर स्कूल खुल गयो तो 12वीं स्कूल तो अपना आनो थो बट सही आंकुर सो विकास करा दियो। अगर बुढ़ानिया जी आपके कोटे से मारगा में 5000 रुपया भी कड़क फुर्रे पर लगाया तो बताओ है पूछा ये कांग्रेस मैंने बताओ है पूछ दूसरी बात है विकास के नत्ता है उरे देखो साहब एक सिर्फ मोमडन गाँव है मोमडन गाँव की वजह से वोट है। हमारे गाँव में बुढ़ानिया और राजेंद्र राठौड़ को बराबर की टक्कर है। अच्छा टकराव हाँ
अः लोग बाग एक दूसरे के ताने के से डरता गेल ने छुपा है कि तो कांग्रेस ही आ, लेकिन वोटिंग होगी पोलिंग होगी जिस दिन पता पड़ेगा बराबर आओगे। अच्छा लोग है ये एक दूसरे का ताने देखता है मन नहीं लागे ने कांग्रेस की ने वादी 15 साल को यो विकास पड़े 25 साल होगी यो विकास सामने हो रहे हो पानी की सिचुएशन भाई है जो ये बताई गई। अगली कित फुट गया ये गली फुटेड़ी रहे हमेशा ही सदा ही फुटेड़ी रहे गांव में ये सीसी रोड 19 गिरावा 25 साल पानी रोड ने आवे तो पीण दियो ने गांव में और मोल गिरावा टैंक जल जीवन मिशन में तो देखो सारे गांव राजगढ़ के गांव में घूमे पहले सादुलपुर विधानसभा में अब तरनगर विधानसभा में जल जीवन मिशन के तहत पानी तो देखो को नहीं हर घर नल जरूर देखो और फुटेड़ी सड़क में देख के आयो लेकिन खड़न खटे एंग बारे में भी थोड़ा सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए सरपंच ने भी संज्ञान लेना चाहिए कि गांव की सड़क है वो दुरुस्त कौन कराओगे क्योंकि वो एक काम हुआ है सरकार को या तो लाइन कौन पड़ी गुगा 25 साल में कौन सा विकास करा गयो कौन सा कोई कांग्रेस होता है बीजेपी हो बात करनी सुनो मैं बताऊं साहब देखो कांग्रेस के कौन करायो गांव में तो कराए तो कांग्रेस कराए बीजेपी क्यों कौन कराए मारा तो कांग्रेस के कराए बा बता दे जो पानी भी कांग्रेस की बदौलत है तो पूरे हिंदुस्तान में ही है यार पानी है कोई मानता तो 5 वर्ष हो गया 800 रुपया टैंक देखो देखो आप आराम से आप आन पूछांगा अब आने पूछा थाने के लगे माहौल है वो पढ़ने गरमा रहा है आप श्री में करायो कौन कराए थाने के लगे करायो माहौल तो कांग्रेस को है काम तो ले काम बुढ़ानी जी कराए पानी भी आए स्कूल भी बनाए पंचायत भी बनाई है और माहौल तो कांग्रेस को ही है फिलहाल बुढ़ाने जी आगे निकल रहे हमारे गर्मा गर्मी को माहौल ना करो आपा तो आपा ओ बातचीत कर अरे तो गर्मा गर्मी को माहौल ना करो मैं बात सब की रखना हूँ थारी बात रख दी अन आपकी बात रख दी माहौल है मोटा वासी को तो देखो कि वोट पड़ेगा पे दिन मेरे मुखोर दो देखो मेरी बात सुनो सुनो मैं बताऊंगा अरे सुन भाई मैं अभी 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 चुनावी चर्चा खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये आप श्री में गर्मा गर्मी होगी मैं चुनावी चर्चा बड़ी खत्म कर रहा हूँ क्यों करूँ हालांकि माहौल है वो गांव को देखो गांव की सड़क देखी गांव की सड़क में दिखाने को प्रयास करूंगा गांव में पानी की व्यवस्था भी दोनों धड़ाऊ थे सुनी कांग्रेस और बीजेपी का हूँ पानी आप सुन ली मेरे दर्श का तमाम सुनी है और हालात है पूरे गांव की मैं एक बार सड़क गलिया की व्यवस्था भी दिखाऊंगा लगातार तारानगर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाने को प्रयास करांगा चूरू जिले बढ़ा रहे नमस्कार जय हिंद जय भारत।